गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अंकित। आपके स्क्रीन पे बोर्ड आ रहा है, आप उसको जूम कर लेना, बोर्ड के साइज में जूम कर लो, क्लियरली दिखाई देगा। दो मिनट रुक जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने एनाटॉमी तो पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एनाटॉमी टोटल हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। इस क्लास में थोड़ा सा हम फिजियोलॉजी देख लेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन टॉपिक दिव्यांशु टुडे इटसेल्फ आज ही स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। लास्ट ही में हम लोग डाइजेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो भाई फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहां थोड़ा देख लीजिए आप। अगर मैं डाइजेशन के फिजियोलॉजी की बात करूं तो हम लोगों ने टोटल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था। सबसे पहले डाइजेशन में अगर हम फिजियोलॉजी बात कर रहे हैं तो हमको फूड थोड़ा देखना होगा कि फूड में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले फूड में जनरली हम लोग कह सकते हैं जो कंज्यूम हम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं। दूसरा क्या हो गया, हम लोग प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरा क्या हो गया भाई, फैट को कंज्यूम कर रहे हैं। चौथा क्या हो गया, विटामिन्स हो गए एंड पांचवा जो हो गया वो मिनरल्स हो गया। ये चीजें हम लोग ने पढ़ा था। अब देखो सबका एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में टूटना होगा तब जाके वो एब्जॉर्ब करेगा। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में टूटते हैं तब जाके बॉडी एब्जॉर्ब करता है। फैट जो है वो फैटी एसिड्स में टूटते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल
एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, विटामिन्स और मिनरल्स ना ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब, ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब। अजीब क्यों हो रही है निहारिका, पता नहीं, मेरे को भी नहीं बैठ रहा सुबह से, हाथ से राइटिंग नहीं बैठ रहा। अच्छा देखिए, हम कह रहे हैं कि ये तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है हमारा। अब फिजियोलॉजी जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि भाई ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में टूटेगा तब जाके क्या होगा, बॉडी में या इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो हमको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सारी चीजों को देखना है। तो ये इसको लिख लीजिए, इसके बाद से बकल कैविटी में हम डाइजेशन देखेंगे। डन, बहुत अच्छा। हाँ नहीं हुआ है, और प्रीवियस क्लास का पीडीएफ अंकित डाला हुआ है, देखिएगा आप, लिंक पे है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है और रागनी, स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप फिर से एग्जिट करके फिर एंड ये लीजिए, तो फिर से ऑन कीजिए तो शायद दिख जाए। आकाश, यू हैव टू सबमिट योर फेयर कॉपी टू द कोऑर्डिनेटर, रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर विच इज मेंशन्ड इन योर ग्रुप। आप पूरा उसको मोर खोलिएगा ना, गम्मे मोर होगा वो लिंक में ना, मोर खोलिएगा तो बायो भी आ जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हम लोगों का तो फूड तो हो गया। अब देखो हमको डाइजेशन देखना है बकल कैविटी के अंदर। तो बकल कैविटी, जैसे मुंह खोले तो बकल कैविटी आया, तो भाई बकल कैविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हम खाते हैं, स्टार्च 30% स्टार्च जो है वो बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, किससे डाइजेस्ट होता है भाई, तो याद करिए हमने सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ा था। तो सलाइवा है, सलाइवा सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवा में मैंने बताया था सलाइवरी एमाइलेज रहता है। स्टार्च के लिए वर्ड एमाइलम यूज किया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा स्टार्च को, एंड डाइजेस्ट करके उसको माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज दो ग्लूकोज के यूनिट को कहते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको माल्टोज कहते हैं हम लोग। तो इसमें टूट जाएगा और कोई भी दूसरा डाइजेशन नहीं होगा, कोई भी दूसरा डाइजेशन नहीं होता है। अब ये क्या हो गया, फूड कहां पहुंच जाएगा, इसके बाद एसोफेगस में याद करिए कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, एसोफेगस में नो डाइजेशन, किसी भी चीजों का डाइजेशन नहीं होगा। खाना कहां पहुंच जाएगा इसके बाद,
मतलब जो भी फूड हम खाए उसमें खाली स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह में घुलेगा या डाइजेस्ट होगा, और कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होता है, ना प्रोटीन ना फैट, कोई भी चीज नहीं। फिर बकल कैविटी के बाद कहाँ आया, एसोफेगस में, एसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ। एसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा फूड भाई, पहुंचा कहाँ पे, दीवार या हम कह सकते हैं स्टमक के अंदर। अब देखेंगे स्टमक में डाइजेशन, इसको यहां तक लिखिए। तुम हाँ बोलिए। तो यहाँ पे क्या, जब स्टार्च चीजें क्या होता है, एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होकर किस फॉर्म में आता है, किसके फॉर्म में, क्या निकलती है? नहीं सुनाई दिया तो तेज बोलिएगा। सर जब स्टार्च डाइजेस्ट होता है किस फॉर्म में आता है, यहाँ पे टी लिखे या फिर एफ है? STARCH स्पेलिंग पूछ रहे हैं। यस सर। STARCH स्टार्च। सर उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद तो माल्टोज बनेगा, MALTOSE माल्टोज। फिर माल्टोज बनेगा। सर वहां आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिखे हैं। हाँ ब्रैकेट में देखो, माल्टोज जो है ना वो दो ग्लूकोज का यूनिट है, मतलब दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन करता है तो माल्टोज बनाता है। मतलब अभी तक देखो जो भी चीजें हम खाए खाली मुंह में ही डाइजेस्ट हुआ है, कौन सा पार्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च 30%, बाकी अभी तक बचा हुआ है, बाकी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। एसोफेगस में क्या है, कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। अब फूड कहाँ पहुंचा है, स्टमक में। तो स्टमक में देखते हैं कि स्टमक में क्या क्या चीजें होंगी। लिख लिए हो सब कोई? यस सर। देखिए हम कह रहे हैं स्टमक में, अब फूड कहाँ आया, स्टमक के अंदर। तो फूड आया भाई स्टमक में। याद करिए स्टमक में मैंने बताया था कि स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। ये सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस, ये सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है कि हम कह सकते हैं कि स्टमक में मेनली क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन जो है वो टूटता है किसमें, एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। सॉरी प्रोटीन जो एमिनो एसिड करेगा, प्रोटीन स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पेप्टोन्स में टूटता है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस ये स्मॉलर प्रोटीन है, ये स्मॉलर प्रोटीन है, स्मॉलर प्रोटीन्स। लेकिन इसको टूटने के लिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम चाहिए होता है पेप्सिन, पेप्सिन। लेकिन गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन जो है वो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता है, इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन ये क्या है भाई, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम। मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर
एंजाइम जो चाहिए प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, वो एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट ही नहीं होता है, बनता ही नहीं, वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जिसको पेप्सिनोजेन हम लोग कहते हैं। अब ये पेप्सिनोजेन जो है भाई, ये पेप्सिनोजेन एक्टिव होगा, एक्टिव किस फॉर्म में होगा, तो पेप्सिन के फॉर्म में होगा, पेप्सिन के फॉर्म में एक्टिवेट होगा, एंड पेप्सिन के फॉर्म में वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो है, ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, ये एक्टिव है, यही चाहिए किस चीज के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन। तो ये एक्टिव कैसे होगा, तो इसको चाहिए हाईली एसिडिक मीडियम, जो कि प्रोवाइड करता है कौन भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मेक्स पीएच 1 से 2 के बीच पीएच बना देता है, मतलब हाईली एसिडिक। अब इतना ज्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है तो उससे बचाना भी तो होगा स्टमक को, नहीं तो उतना ज्यादा एसिड क्या स्टमक का ही वॉल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो वो बचाता कौन है, म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक हो गया पेप्सिनोजेन, दूसरा हो गया HCl, तीसरा वाला जो हो गया वो क्या है, म्यूकस। तो एक हमारा क्या हो गया, पेप्सिनोजेन, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। HCl क्या करता है, हाईली एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड पेप्सिन यहाँ यूज होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टमक को, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टमक को, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, ये तो डाइजेशन हमको समझ में आ गया कि भाई प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, क्या और भी कुछ डाइजेस्ट होता है क्या, तो बिल्कुल, और क्या डाइजेस्ट होता है, तो मेनली डाइजेस्ट तो प्रोटीन ही होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है पेट में ही जाके, ये कौन सा होगा भाई, तो पेट में जाके तो एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक ड्रग आता है, ड्रग कहने का मतलब चरस गांजा ये सब नहीं, ड्रग्स हम लोग मेडिसिन को कहते हैं, एंड ड्रग्स जो है, एक ड्रग है जिसको एस्पिरिन कहते हैं, विच कम्स अंडर द ब्रांड नेम डिस्प्रिन। आपने नाम सुना है क्या डिस्प्रिन का? नो सर, डिस्प्रिन ऐड नहीं आता है। अरे एक आता है सिफिक्स सेरिडॉन, जे सर दर्द आराम आता है, अरे सर दर्द की दवा। तो देखो एस्प्रिन जो है, इसीलिए देखो जल्दी काम करता है, क्यों भाई, क्योंकि पेट में जाके वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मान लो पेट में तो नॉर्मली 4 से 5 घंटा खाना रहता है, 3 से 4 भी एग्जैक्ट रखेंगे या मिनिमम 2 से 3 तो रहेगा ही, तो 3 घंटा बाद सर दर्द ठीक होता है। तो यहाँ क्या है, डाइजेशन नहीं होता है, जाते के साथ घुल जाता है, घुल के ब्लड में पेटी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एस्प्रिन का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या है भाई, तो आप ग्लूकोन डी पीते हो इंस्टेंट एनर्जी, तो देखो ग्लूकोन डी एक्चुअली ग्लूकोज ही है, इसीलिए तुम ग्लूकोज को देखोगे ना तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, वो मुंह में भी डालोगे ना तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तुम कभी पाउडर फांक के देखना ऐसे ही ग्लूकोज का, देखना मुंह में ही एब्जॉर्ब होने लगता है, होता है ऐसा, कभी ऑब्जर्व किया हो ये चीज? नहीं, नो सर। देखते हो मुंह में घुलने लगता है, तो क्यों, मुंह में क्या है, ब्लड वेसल ज्यादा है, इसीलिए देखो मुंह अंदर से पिंक क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लड वेसल बहुत रहते हैं जीभ के नीचे खासकर। तो देखो ग्लूकोन डी या ग्लूकोज का भी डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। फिर क्या है भाई, तो एल्कोहल, एल्कोहल को डाइजेस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, वो पेट में जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए देखो पीने के बाद जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं उनको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में ही नशा चढ़ने लगता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो उसका डाइजेशन होना रहता कि स्टमक में, तो 4 घंटा बाद नशा चढ़ता है, तो ऐसा तो नहीं होता है, 10-15 मिनट बहुत है, क्यों, क्योंकि पेट में जाके स्टमक में जाके वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो भले ही प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में, उनमें एक हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया एस्प्रिन सरदर्द की दवा, तीसरा हो गया एल्कोहल, और भी चीजें हैं लेकिन ये मेन है। तो हम कह सकते हैं कि सम सब्सटेंसेस आर डायरेक्टली
एब्जॉर्ब इन द स्टमक, इन द स्टमक. फर्स्ट इज व्हाट? ग्लूकोज. फर्स्ट इज ग्लूकोज. सेकेंड वन इज एल्कोहल. थर्ड वन इज एस्पिरिन. थर्ड वन इज एस्पिरिन. नोट डाउन कीजिए तो इसको. सर ये पेप्सिन का एक बार फिर से बता दीजिए कॉन्सेप्ट. हाँ देखिए, आप पूरा नोट कर लीजिए एक बार, मैं फिर से ये स्लाइड रिवाइज कर दूंगा. नोट करिए पहले. हेलो. हाँ बोलिए. हो गया? यस यस सर, डन. आई एम सीइंग योर चैट. ठीक है अंकित, मैं देख लूंगा. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ सर. सॉल्ट, हाँ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होता है NaCl. देखिए हम कह रहे बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस सॉल्ट शुगर वगैरह एब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ देखो शुगर जो है वो सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज, एल्कोहल, एस्पिरिन, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं. लेकिन हाँ मेनली जैसे दिमाग में हमारे क्या है कि भाई डाइजेशन किसका होना है, तो प्रोटीन का, एब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंसेस का होता है. अब देखिए स्टमक की हम बात कर रहे हैं, स्टमक क्या निकाला? गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है कहाँ, याद करिए, अंदर फोल्ड्स रहते हैं ऐसे, ठीक है, इनमें क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैंने बताया था. गैस्ट्रिक जूस क्या निकाल रहा है? पेप्सिनोजेन, HCl और म्यूकस. पेप्सिनोजेन भाई इनएक्टिव है. इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव कब होगा? हाईली एसिडिक मीडियम में. कौन प्रोवाइड किया? HCl. अब इतना ज्यादा एसिड है तो क्या म्यूकस उसको क्या करेगा? बचाएगा हमारे स्टमक के वॉल को. एंड पेप्सिन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में, एंड इट एक्चुअली ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस, विच आर स्मॉलर प्रोटीन्स. तो ये हो गया भाई स्टमक का काम. ठीक है लिख लिया आप सबको ही? चेंज कर रहे. सर पीएच क्या होता है? पीएच, पीएच आप पढ़िएगा, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिए केमिस्ट्री में? या अभी पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा? यस सर. चैप्टर पढ़िएगा ना एसिड बेस सॉल्ट. तो पीएच हम लोग कहते हैं ना, पीएच कहते हैं एक्चुअली
एसिडिटी और बेसिसिटी को बताने के लिए एक स्केल सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था पीएच स्केल के बारे में, एक डिवाइस किया था एक स्केल जिसमें एक से लेके जीरो से लेके 14 तक का रेंज था, 7 पे 7 पे न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर हो गया न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है, जितना कम होगा ना मतलब पीएच 1-2 के आसपास तो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो एचसीएल वगैरह जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो उनका पीएच काफी कम होता है, वहीं पे ऑर्गेनिक एसिड मान लो कि जिसका 5-6 होगा जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया जिसको हम खा सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हम लोग कंज्यूम करते हैं ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं करते, इनऑर्गेनिक में एक ही दो करते हैं, एक तो कार्बोनिक एसिड हो गया जो सोडा वाटर पीते हैं, इनऑर्गेनिक है फिर भी वो वीक एसिड है, तो ये एसिड बेसिड बेस का कॉन्सेप्ट आप सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़िएगा। अब देखिए ये हमारा स्टमक में तो हो गया, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता है, कौन सा पहला पार्ट है भाई, ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम है ना। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में खाना पहुंचा, खाना पहुंचा किसमें, ड्यूओडेनम में। अब ड्यूओडेनम में तो दो चीजें थी, कौन कौन सी चीजें थी भाई, एक राइट हैंड साइड क्या था, लिवर था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, पेनक्रियास, दोनों सिक्रीशन अपना डालेगा ठीक है, एंड सिक्रीशन क्या है, राइट साइड क्या है भाई, लिवर, लिवर क्या निकालता है याद रखिएगा, बाइल जूस, बाइल जूस, लिवर निकाला बाइल जूस। अब लिवर निकाला है भाई बाइल जूस, बाइल जूस में दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, एक होता है बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स मतलब पिगमेंट मतलब जानते हो कलर सब्सटेंस को कहते हैं पिगमेंट, तो दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो दो पिगमेंट है बाइल जूस में, एक बिलीरुबिन हो गया जो कि येलो कलर का है, येलो ठीक है, ये वाला क्या है ग्रीन कलर का है, तो दो पिगमेंट हो गए। अब यही बिलीरुबिन क्या होता है, देखते हो जॉन्डिस के केस में बढ़ जाता है, लिवर इनलार्ज हो जाता है तो बिलीरुबिन ज्यादा होता है बॉडी में जिसकी वजह से पीला पड़ जाता है, आप देखे हो ऑब्जर्व किया हो ये चीज, आईज भी येलो हो जाते हैं, स्किन का कलर येलो हो जाता है, नेल्स येलो हो जाते हैं जॉन्डिस के केस में, सुने ये बीमारी जॉन्डिस, ऑब्जर्व किए होंगे किसी को हुआ होगा तो, कि उसमें बिलीरुबिन एक्चुअली क्या हो जाता है ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होने लगता है तो येलोइश बॉडी दिखने लगता है। दूसरा देखिए बाइल पिगमेंट के साथ साथ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स कितने तरीके के, दो तरीके के, कौन कौन से वो भी देख लेंगे, एक सॉल्ट होता है जिसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका काम क्या होता है, देखो खाना अभी कहां था, काइम स्टमक में, स्टमक में मीडियम कैसा था, एसिडिक था ठीक है, तो एसिडिक मीडियम था, उतने ज्यादा एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि जो पेनक्रियास से एमाइलेज निकलेगा वो काम नहीं कर सकता है, तो होता क्या है, तो होता है मीडियम पहले बेसिक तब पेनक्रियास का एंजाइम काम कर पाएगा, तो बाइल का जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ना वो मीडियम को क्या करता है, बेसिक करने का काम करता है, मतलब ये वाला जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये क्या करेगा, मेक मीडियम बेसिक, मीडियम बेसिक सो दैट पेनक्रियाटिक इंजाइम्स कैन एक्ट, पेनक्रियाटिक
एंजाइम में क्या हो गया, एमाइलेज, एमाइलेज कैन एक्ट, कैन एक्ट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये मीडियम को क्या कर रहा है, बेसिक बना रहा है। दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट करता क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट करता है भाई, हम कह सकते हैं इसका काम होता है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट ये फैट्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसमें तोड़ने का काम करता है। एंड इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। एंड जो फैट, ये स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट बना, इस स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट को इमल्सिफाइड फैट कह सकते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो इतना क्लियर है इमल्सिफाइड फैट। अब देखो दूसरे राइट हैंड साइड क्या है भाई, राइट हैंड साइड हमारा लिवर था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या निकाला, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, तो पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहला रहता है एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, तीसरा जो एंजाइम रहता है इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो तीन एंजाइम हमको नजर आ रहा है पैनक्रियास से, एक हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया एमाइलेज, तीसरा हो गया लाइपेज, ये तीन एंजाइम निकाल रहा है पैनक्रियास। अब देखो ड्यूडेनम में हो क्या क्या रहा है भाई, तो सबसे पहला याद करो कि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, उसके बाद डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो क्या होता है कि स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टार्च टूटता है फाइनली किसमें, ग्लूकोज में, किसके प्रेजेंस में, तो ये प्रेजेंस है भाई पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में, ज्यादा बड़ा हो गया, ये हो गया पैनक्रियाटिक, लिख दो, लिखते पैनक्रिया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ड्यूडेनम में एक तो चीज हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज, कब काम करता है, पहले मीडियम जो है वो बेसिक होगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, बेसिक कौन कर रहा है, बाइल जूस, बाइल का कौन सा सॉल्ट, इनऑर्गेनिक वाला। दूसरा क्या है पैनक्रियाटिक लाइपेज, दूसरा काम है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट्स पे काम करता है, लेकिन कैसे फैट्स पे, हम कह सकते हैं इमल्सिफाइड फैट पे, इमल्सिफाइड फैट पे, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट पे कौन काम करेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसको किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, कौन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और प्रोटीओसेस ऑफ पेप्टोन्स फाइनली एमिनो एसिड में टूटता है, प्रोटीओसेस प्लस पेप्टोन्स, ये फाइनली किसमें टूटा,
एमिनो एसिड्स में। तो ये सब देखो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट गया, एमिनो एसिड्स में टूट गया, किसके प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन। तो देखो इसको पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसको समझाते हैं। हाँ, किसके ऊपर लिखा है फराज सर? सबसे ऊपर क्या लिखे है? सबसे ऊपर ड्यूडेनम लिखे है, डी यू ओ डी ई एन यू एम, ड्यूडेनम। पैनक्रियाज राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिवर है। हाँ बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन मैं निहारे का बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
हो गया। पैनक्रियाटिक एमाइलेज नहीं समझ में आया, ठीक है देखिए सिंपल समझो, ये ड्यूडेनम था हम लोगों ने पढ़ा था, अब जो भी लिख रहा है लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए। ड्यूडेनम में मेनली फीचर क्या है भाई, ये चीज हो रहा है, मतलब मेनली हम कह रहे हैं ये चीज हो रहा है, ये यहाँ वाला जो दिख रहा है हमको, ठीक है यही चीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो एक तरफ राइट हैंड साइड बाइल है, वो बाइल जूस निकालता है, बाइल जूस में दो चीजें है, बाइल पिगमेंट्स कलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, मेन है बाइल सॉल्ट, हम कह सकते हैं बाइल सॉल्ट का दो काम है, या बाइल जूस का ही हम कह सकते हैं दो काम है, एक तो मीडियम को बेसिक करता है, तब जाके क्या होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम कर पाएगा, दूसरा क्या है फैट को इमल्सीफाई करता है, तब जाके क्या है पैनक्रियाटिक लाइपेज काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मतलब दो जो एंजाइम है पैनक्रियास का वो बाइल पे डिपेंडेंट है, एक कौन सा हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पहले मीडियम बेसिक होगा कौन करेगा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दूसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि कौन क्या करेगा इमल्सीफाई करेगा, इमल्सिफिकेशन फैट का करेगा एंड फैट को चेंज करेगा इमल्सीफाइड फैट में, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा फैट को इमल्सीफाई करेगा, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो फैट को क्या करेगा इमल्सीफाई करेगा, तब जाके पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो काम कर पाएगा। तो देखो स्टार्च ग्लूकोज में टूटा, कौन तोड़ा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, काम कर पाएगा कब, लेकिन कब काम कर पाएगा जब मीडियम बेसिक हो जाएगा, तो कौन बेसिक किया बाइल जूस, तो बाइल जूस का दो काम है, सिंपल याद रखिएगा बाइल जूस का दो काम है, एक काम क्या है फैट को इमल्सीफाई करना तब जाके पेनक्रियास का लाइपेज काम करता है, दूसरा वाला काम क्या है मीडियम को बेसिक करना तब जाके पेनक्रियास का एमाइलेज काम करता है। एंड ट्रिप्सिन जो स्टमक में प्रोटीन टूटा था एमिनो एसिड में नहीं टूटा था, तो ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स को किसमें तोड़ देता है एमिनो एसिड्स में। अब देखो सब अपने अपने एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया, अब क्या होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग विली, ठीक है एब्जॉर्प्शन के लिए क्या पढ़े थे विली, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, तो विली जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा। ड्यूडेनम जेजुनम तक जाते जाते डाइजेशन हो जाता है, जेजुनम में डाइजेशन खत्म भी हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट भी हो जाता है, इलियम में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो ड्यूडेनम के बाद से क्या होगा जेजुनम आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ रहे, ये था ड्यूडेनम, सारे लोग लिख लिए यस सर। बाइल पिगमेंट्स कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करता है, बाइल पिगमेंट्स कलरेशन प्रोवाइड करता है एंड उसका दूसरा फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में फंक्शन होता है बाइल पिगमेंट्स का, डाइजेशन में कोई मतलब नहीं है उसका। फराज ये जो स्टोन है ना एक्चुअली स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह कुछ सॉल्ट्स बनते हैं वो गॉल स्टोन बना देते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने लगते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, तो वो बाइल स्टोन या गॉल स्टोन उसको हम लोग कहते हैं जो गॉल ब्लैडर में बनते हैं, जो बोलते हैं पत्थरी हो गया पेट में पत्थर हो गया, बहुत लोग का ये मानना है कि पत्थर खाने से पत्थर हो जाता है, कितने लोग इतने बेवकूफ रहते हैं कि कहते हैं कि चावल का जो खा रहे पत्थर उसके कारण पेट में पत्थर हो गया, तो एक्चुअली वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके कारण वो गॉल स्टोन होता है। हाँ किडनी में भी होता है, वो दूसरे सॉल्ट के कारण होता है, यूरिक एसिड वगैरह के कारण होता है किडनी में डिपॉजिट होने लगता है, यूरेटर में भी। यस नेक्स्ट देखिए हम लोग कह रहे हैं ड्यूडेनम तो हो गया, नेक्स्ट अब थोड़ा समझ लेते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है भाई जेजुनम, जेजुनम तो जेजुनम की हम बात करें इन इट most of the food is digested and absorption starts
फिर नेक्स्ट है ईलियम। ईलियम की हम बात कर रहे हैं तो इन इट खाली एब्जॉर्प्शन होगा, इन इट ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है भाई कि इन बोथ जेजुनम एंड ईलियम, जेजुनम एंड ईलियम फॉर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ विली, विली के फॉर्म में इंक्रीज होता है। ठीक है, यही चीज हो रहा है, लिखिए तो यहां तक।
हो गया। देखिए हम कह रहे बिल्कुल हम कह रहे देखो जेजुनम इलियम तक आके तो पूरा डाइजेशन हो गया। अब देखो इसके बाद से अभी तक क्या था, देखो इसमें अभी तक फूड में, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा पतला है ना, अगर मान लो कि बहुत गाढ़ा हो जाता वो फूड तो मूव ही नहीं कर पाता, तो उसमें ह्यूज क्वांटिटी में भी वाटर है लेकिन उतना वाटर बॉडी एक्सक्रीट आउट कर ही नहीं सकता है, तो वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है वो एब्जॉर्ब करता है, उतना वाटर बॉडी एक्सक्रीट आउट बिल्कुल नहीं कर सकता है, बॉडी क्या करता है एब्जॉर्प्शन करता है। अब देखो यहां से खाना कहां पहुंचा, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लिखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लिखिए तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में हम कह रहे हैं कि इन इट ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। यस ये लास्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन का, इसके बाद खत्म हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है एब्जॉर्प्शन हो गया, ये फूड कहाँ गया, अब इसको फूड नहीं कहेंगे रेक्टम कहेंगे, याद करिए रेक्टम जो है यहां पे क्या है टेम्पोरली स्टोर्ड, ठीक है, रेक्टम में टेम्पोरली क्या स्टोर रहेगा, फीसेस बोलते हैं ना इसको, याद करो डाइजेस्टिव वेस्ट को फीसेस बोलते हैं, एंड फीसेस को एनस से क्या किए रिमूव किए, बाहर की तरफ चला गया, ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो फीसेस को रिमूव किया गया तो डिफिकेशन बोलते हैं इसको, डिफिकेशन, ठीक है, एनस से रिमूवल को डिफिकेशन हम लोग बोलते हैं, अब एनस से बाहर चला गया डाइजेस्टिव वेस्ट, या उसको हम लोग फीसेस कहते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया, दो टर्मिनोलॉजी पढ़ना है बस, 5 मिनट का है हम लोग का हो जाएगा, फिर हम रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएंगे। देखिए तो इसको हो गया, 2 मिनट देख ले रहे, उनके व्हाट्सएप एक बार आप बात कर लीजिएगा, आई थिंक उनके व्हाट्सएप पे ही एक लिंक होगा आपको होमवर्क सबमिट करने का, होमवर्क सबमिशन का, आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए ना, आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं आई थिंक, सर मैंने कोऑर्डिनेटर से पूछा था सर नोट्स के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, होमवर्क सबमिशन लिंक तो है ना ऊपर में, देखिएगा है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही है, एंड आपने कहा कि आपको नोट्स नहीं मिल रहा है, नोट्स भी अवेलेबल है आपको, आप देखोगे नोट्स का सेक्शन है बिल्कुल अगम में, आपने कहा कि नोट्स नहीं है, नोट्स का भी सेक्शन है डिस्क्रिप्शन में, आप देखोगे मिल जाएगा आपको। चलिए दो टर्म है जल्दी से देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये हम लोगों का। एक जो टर्म है ना इसको कहते हैं डेंटल कैरीज की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी में सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं दांत में जो सड़न होता है वही होता है डेंटल कैरीज। क्यों होता है भाई,
तो सिंपल सा चीज है, माउथ में ना हमारे, हम कोई भी एयर, एयर में तो हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट है ही भाई, माउथ में भी हमारे बकल कैविटी में भी आ जाता है। अब ये बैक्टीरिया जैसे ही हम कोई फूड आइटम खाते हैं ना जिसमें ज्यादा चीनी होगा, ठीक है, सुगरी सब्सटेंसेस होंगे, तो वो सुगर के प्रेजेंस में ना मीठा उसके लिए बहुत अच्छा फूड होता है, तो खूब खाता है एंड खूब रिप्रोड्यूस करता है, बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाता है। एंड जिसके कारण बैक्टीरिया खाता तो शुगर है लेकिन निकालता है एक तरह का बहुत सारा, हम कह सकते हैं एसिडिक मिक्सचर या एसिडिक सिक्रीशन निकालता है। ये एसिड क्या होता है, कोरोसिव होते हैं। एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, कोरोड करता है सरफेस को। तो हमारे टॉप लेयर जो है टूथ के, जिसको इनामेल कहते हैं, इसको धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देता है। तो एक समय आता है कि गलते 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 क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। और गलेगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जो उसके ठीक नीचे एक लिविंग लेयर होता है जिसको डेंटाइन कहते हैं, उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं, वो ओपन नर्व फाइबर्स होते हैं, तो वो झंझनाहट होने लगता है। तो बोलते हैं सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन इस्तेमाल कीजिए। एंड फिर क्या होगा, और हम नहीं रुके, हम खाते ही जा रहे हैं, हम मीठा कंज्यूम किए जा रहे हैं। क्या होगा, सड़न होगा, सड़न होने के बाद क्या होगा, उतना दूर होल हो जाएगा, फिर उसको भरा जाएगा, नहीं होगा, दांत उखाड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है दांतों में सड़न, जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली खाए भी तो हमारा हैबिट ना इंडिया में बड़ा अटपटा है, एकदम मतलब बेवकूफ टाइप का है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हम ब्रश कब करते हैं, हम सुबह में उठ के करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग 98% लोग सुबह ही में ब्रश करते हैं, रात में करते ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, दिन भर तो हम खाते हैं ना, रात भर तो ही ना खाते हैं, दिन भर खाते हैं। तो दिन भर खाते हैं तो क्या होता है कि रात में हम सोने से पहले अगर ब्रश कर लेंगे तो दांत साफ हो जाएगा, उसमें सारा फूड आइटम जो फंसा हुआ है निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया को रात में अच्छे से फूड नहीं मिलेगा। लेकिन हम करते क्या, हम सुबह में उठ के करते हैं, रात में ऐसे ही सो जाते हैं, तो दिन भर का खाया हुआ है दांत में लगा हुआ है एंड सो गए, रात भर आराम से बैक्टीरिया डिवाइड किया। और यही कारण होता है देखो कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो मुंह बासी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि रात भर में ना एसिड निकालता है बैक्टीरिया, और यही हम बासी एसिड को न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, देखिए इसको हम लोग किससे कर रहे हैं, बेस से कर रहे हैं। टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो देखते हो न्यूट्रलाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो बासी जैसा मुंह है वो खत्म हो जाता है। एंड उसमें फ्लेवर के लिए, या हम कह सकते हैं फ्रेशनेस के लिए, मिंट डाला रहता है जिससे ताजगी महसूस होता है। तो टूथपेस्ट क्या है, बेस है, मुंह में एसिड है, न्यूट्रलाइज किया, खत्म हो गया, मुंह साफ हो गया। तो एक्चुअली हैबिट जो होना चाहिए हमारा, रात में ब्रश करना एंड सुबह में माउथ वॉश करना, ठीक है, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि रात भर तो कुछ खाए नहीं, फंसा नहीं होगा, अगर रात में ब्रश करके सोए तो ज्यादा बेहतर है। तो वो ज्यादा एक, हम कह सकते हैं, एक अच्छा हैबिट है एज कम्पेयर टू सुबह उठ के ब्रश करना एंड रात में ऐसे ही सो जाना। हाँ, जरूरत से ज्यादा भी ब्रश नहीं करना चाहिए, इनामेल घट जाएगा। तो डेंटल कैरीज क्या है भाई, डेंटल कैरीज हम कह सकते हैं क्या कि ड्यू टू ईटिंग मोर सुगरी सब्सटेंसेस, ड्यू टू ईटिंग मोर सुगरी सब्सटेंसेस द बैक्टीरिया present in our buccal cavity reproduces very fast and secrete acids as waste material being corrosive the acid being corrosive, लिखिएगा, थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, बिकॉज
आई एम नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू राइट. वेल देखिए, बीइंग कोरोसिव द एसिड कोरोड द टॉप लेयर, कोरोड द टॉप लेयर ऑफ टीथ. कौन सा लेयर है भाई? इनामेल. इनामेल, दिस इज कॉल्ड डेंटल कैरीज. दिस इज कॉल्ड डेंटल कैरीज. दिस इज कॉल्ड डेंटल कैरीज. यस, एक छोटा सा बचा हुआ है टॉपिक निहारिका, डेंटल प्लाक. आई नो कि ये चैप्टर आप लोग को काफी बड़ा और काफी बोरिंग लगा होगा. ठीक है, बोरिंग तो हमको नहीं पता, लेकिन काफी बड़ा लगा इसके वजह से ये बोरिंग हो गया होगा. लेकिन बिलीव मी कि ये चैप्टर एक लौता चैप्टर है जो इतना बड़ा है. बाकी कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, देखिएगा कि 3-4 क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा. बाकी चैप्टर पढ़ाने में कोई मतलब, अगर मुझे लीजिए तो मुझे 10th के सिलेबस में 40% टाइम इकलौता यही चैप्टर पढ़ाने में लग जाता है, एंड बाकी 60% में टोटल सिलेबस खत्म हो जाता है. यस दिव्यांशु, आई नो इट इज वेरी बोरिंग, बट क्या करे, ये सिलेबस है. अब अगले साथ मत मनाइएगा कि कोविड हो जाए कि फिर ये आपको एग्जाम देना ना पड़े. लॉन्ग है लेकिन इजी है. यस, लॉन्ग है, इजी है एंड इंटरेस्टिंग है क्वाइट. अगर जिसको इंटरेस्टिंग लगता होगा, आप फ्यूचरिस्टिक अपने आप को बीइंग अ डॉक्टर जो कंसीडर कर रहे होंगे, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये ह्यूमन के बारे में है. जो नहीं भी डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन अपने बारे में जानने में कोई बुराई नहीं कि कैसे बॉडी फंक्शन करता है. हाँ, मेडिकल में नहीं जाना, फिर भी क्या, जो अपने बॉडी के बारे में जानना तो बेहतर ही है. देखिए, लास्ट टॉपिक ये है, वो है डेंटल प्लाक. डेंटल प्लाक, देखो डेंटल प्लाक की हम बात करें तो भाई डेंटल प्लाक है क्या, हम कह सकते हैं. देखते हो कि जब दांत, लेकिन आप देखोगे कि जब दांत आप अच्छे से धोते नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, दांत पीला पड़ जाता है, एक पीला लेयर जम जाता है ऊपर से. ठीक है, एंड इसका मेन कारण यही है कि हम इम्प्रॉपर केयर करते हैं. जितना समय हमको दांतों को साफ अच्छे से करना चाहिए उतना समय नहीं करते, ज्यादा जो जंक फूड खाते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ऑयल एंड ऑयल एक्चुअली स्टेन्स अवर टीथ. ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है ज्यादातर. तो यही है डेंटल प्लाक. हम कह सकते हैं द येलोइश लेयर, येलोइश layer which deposit over teeth over a long period of time
ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक is known as dental plaque. हो गया इसी के साथ ये कंप्लीट एंड फाइनली ये कंप्लीट हो गया. नहीं अंकित, ये टॉपिक खत्म हुआ है, चैप्टर अभी बचा है, अभी ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ. यही डाइजेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक था, बाकी छोटा छोटा टॉपिक, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है. यस, ये काफी समय लेता है चैप्टर, आई नो, अब हम क्या करें, लेता है तो लेता है, छोड़ के भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया फिर आप ही बोलोगे कि नहीं पढ़ाया. अच्छा, यस, आप बोलो, आगे पढ़ाऊं रेस्पिरेशन कि नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा, जैसा बोलिए. अच्छा, ये टॉपिक खत्म हुआ इसीलिए, नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया, बाउंस कर जाएगा बिल्कुल. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग करते हैं. वीडियो एंड पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो और पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उस पर नोट्स में जाके देखना ना, नीचे नोट्स का होगा, तो उसमें बायोलॉजी डालोगे तो मिल जाएगा आपको. आज का इससे पहले वाले लेक्चर, 6th and 7th लेक्चर का अपलोडेड है उस पर, उसके पहले का तो भेज ही दे देते हैं, तो उससे पहले वाला आपके ग्रुप पे ही होगा, एंड जब से ग्रुप पे डाला डिस्क्रिप्शन में तब से मिल जाएगा आपको, आज का मिल जाएगा. ठीक है अंकित, रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. हाँ बिल्कुल, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो लीव कर सकता है. ठीक है, निहारिका आप लीव कर सकते हो, नो डाउट. तो चलिए एंड करें.